गुड मॉर्निंग यूके जी बेटा, नाउ ओपन योर ग्रामर बुक. ओके, दिस इज योर ग्रामर बुक. ओपन योर ग्रामर बुक एट पेज 33. देखिए, थोड़ी सी नई चीज है बेटा आपके लिए, लेकिन आप समझोगे, ध्यान देना. ये चैप्टर है एडजेक्टिव. अब तुम सोच रहे होगे कि एडजेक्टिव क्या चीज होती है भाई. इंग्लिश में बेटा कुछ वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. अब कौन से वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं तो सुनो ध्यान से. मान लो मैं तुमसे किसी बच्ची के बारे में बात कर रही हूं और मैंने कहा कि रानी इज अ गुड गर्ल. जिस बच्ची के बारे में बात कर रही हूं उसका नाम रानी है. ठीक है, रानी इज अ गुड गर्ल, यानी रानी एक अच्छी लड़की है. गुड मीन्स अच्छा होता है ना. तुम लोग बढ़िया काम करते हो, तुम लोग कहते हैं ना गुड, वेरी गुड. तो गुड मतलब बढ़िया. रानी इज अ गुड गर्ल, यानी रानी एक बढ़िया लड़की है, एक अच्छी लड़की है. तो ये गुड वर्ड जो है वो किसके बारे में बता रहा है? रानी के बारे में. तो जो वर्ड किसी के बारे में बताता है, ठीक है, उस वर्ड को एडजेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप अब बुक पे आइए बेटा, पहले रीडिंग करिए मेरे साथ. आर ए एम यू रामू, आई एस इज अ जी डबल ओ डी गुड, एफ आर आई ई एन डी फ्रेंड. रामू इज अ गुड फ्रेंड मीन्स रामू एक अच्छा दोस्त है. कैसा दोस्त है? अच्छा दोस्त है. गुड वर्ड किसके बारे में बता रहा है? फ्रेंड के बारे में बता रहा है. ठीक है, फ्रेंड को डिस्क्राइब कर रहा है, फ्रेंड का वर्णन कर रहा है कि फ्रेंड कैसा है. फ्रेंड गुड है, अच्छा है, बढ़िया है. तो जो वर्ड किसी को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव होता है. यहां गुड वर्ड ने फ्रेंड को डिस्क्राइब किया है, इसलिए गुड जो है वो एडजेक्टिव है. क्या है? एडजेक्टिव. एडजेक्टिव देखिए यहां पर लिखा हुआ है बेटा, एडजेक्टिव. ये लेसन ही आपका एडजेक्टिव का है. ठीक है, एडजेक्टिव मीन्स क्या समझ में आया? सुनो ध्यान से. जो वर्ड किसी को डिस्क्राइब करे, किसी के बारे में बताए, अच्छा है, बुरा है, छोटा है, नाटा है, लंबा है, ठीक है, वो वर्ड एडजेक्टिव होता है. आगे देखो, आर ए एच यू एल राहुल, आई एस इज अ एफ आई एन ई फाइन, बी ए टी एस बैट्स, एम ए एन मैन बैट्स मैन. राहुल इज अ फाइन बैट्समैन. राहुल एक अच्छा बैट्समैन है. बैट्समैन तो तुम जानते ही हो बेटा. तो राहुल एक अच्छा बैट्समैन है, फाइन बैट्समैन है. कैसा बैट्समैन है? फाइन बैट्समैन है. तो फाइन वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है बैट्समैन को, कह लो डिस्क्राइब कर रहा है, या राहुल को डिस्क्राइब कर रहा है. राहुल कैसा बैट्समैन है? राहुल फाइन बैट्समैन है. तो फाइन वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है राहुल को, इसलिए फाइन क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया. अब मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है ना, अब इस वर्ड को आपको यहां फिल करना है. कैसे फिल करोगे? एफ आई एन ई, इस तरह से फिल करोगे. ठीक, आगे देखो. ए एस
एच ए आशा, आई एस इज अ, एल ए जेड वाई लेजी, जी आई आर एल गर्ल। आशा इज अ लेजी गर्ल। आशा एक लेजी लड़की है। कैसी लड़की है? लेजी। लेजी मीन्स आलसी। तो लेजी वर्ड ने डिस्क्राइब किया गर्ल को, ठीक है, इसलिए लेजी जो है क्या हो जाएगा, ये एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ये गर्ल के बारे में बता रहा है, ये वर्ड गर्ल को डिस्क्राइब कर रहा है। तो देखिए मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, आपको क्या करना है, यहाँ फिल करना है, एल ए जेड वाई लेजी। ओके नेक्स्ट रीडिंग करिएगा बेटा, मैं बोलूँ उसके बाद आप बोलिए। एच ई ही, आई एस इज अ, पी डबल ओ आर पुअर, एस टी यू डी ई एन टी स्टूडेंट, ही इज अ पुअर स्टूडेंट, वह एक खराब स्टूडेंट है, यानी अच्छी स्टूडेंट नहीं है, पढ़ने में तेज नहीं है, मैनर्स उसके अच्छे नहीं है। ओके बेटा, तो आपको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिएगा, आपको ऐसा वर्ड इसमें से ढूंढना है जो वर्ड किसी को डिस्क्राइब करता हो। तो यहाँ पे पुअर वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है किसको, स्टूडेंट को। स्टूडेंट समझते हो ना, आप स्टूडेंट हो, आप पढ़ते हो ना, जो पढ़ते हैं वो कौन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, और जो पढ़ाते हैं वो टीचर होते हैं, वी आर टीचर्स एंड यू आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट को कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है, पुअर वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है। ओके बेटा, तो पुअर क्या हो गया, पुअर एडजेक्टिव हो गया। पुअर क्या हो गया बेटा, एडजेक्टिव। तो पुअर को कहाँ आपको राइट डाउन करना है, यू हैव टू राइट डाउन हियर, पी ओ ओ आर पुअर। नाउ सी द नेक्स्ट, ए के बी ए आर अकबर, आई एस इज अ, आर आई सी एच रिच, एम ए एन मैन, अकबर इज अ रिच मैन, अकबर एक अमीर आदमी है, रिच मीन्स अमीर, जिसके पास खूब पैसा रुपया हो, अमीर हो, ठीक है, वो रिच कहलाता है। तो अकबर एक अमीर आदमी। अब तुम लोग बताओ बेटा, कौन सा वर्ड ऐसा है जो अकबर के बारे में बता रहा है, अकबर कैसा आदमी है, अकबर अमीर आदमी है, रिच है, रिच वर्ड ने बताया अकबर के बारे में। तो जो वर्ड अकबर को डिस्क्राइब किया वो वर्ड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो रिच आपको यहां पे बेटा फिल करना है, आर आई सी एच रिच। अब यहां तक आपका होमवर्क है, खूब समझ समझ के और बुक में इसको कंप्लीट करिएगा बेटा, डेली का डेली वर्क कंप्लीट होना चाहिए, तुरंत बुक मंगवाई जाएगी चेक करने के लिए, तो नहीं चेक होगा तो फिर नेक्स्ट टेस्ट में आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके बेटा, इसलिए खूब मन से करना और गुड राइटिंग भी करना। थैंक यू बेटा।